What's up beautiful people, welcome to a new vlog. Guys, जो आपको कैंडल सेल के बारे में बता रही थी शिल्पा, वो लाइव हो गई है. ऑब्वियसली सुबह सुबह तो मैं इतना पागल तो है नहीं कि मैं उठ जाएंगे हम लोग, बट अभी हम लोग आए इधर बाथ बॉडी वर्क्स. शिल्पा को चाहिए थी और यूजली हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा भी लेते हैं. साल में एनुअल सेल है, साल में एक दो बार ही आती है. हम लोग पूरे साल तो यूज़ करते हैं, उसके अलावा थोड़ी गिफ्ट के लिए भी लेते हैं हम लोग. तो कभी कभी हम गिफ्ट लेके देनी हो, कभी देनी हो ना, तो ये कैंडल्स बहुत अच्छी रहती हैं. गिफ्ट का अच्छा आइडिया है गाइस, आप भी ले लें अगर आपके यहाँ मिलती है तो हम भी यूजली कभी गिफ्ट लेके किसी और को गिफ्ट देने का काम आती है. तो अभी अंदर जा रहे हैं, भीड़ भी है, थोड़ी सी लाइन है. अंदर जाके मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर है ना, आई डोंट नो कितना आपको पता नहीं, अमेरिका में ऐसा स्ट्रेंजर्स की वीडियो ऐसे नहीं बना सकते, परमिशन चाहिए होती है, माइंड करते हैं, परमिशन चाहिए होती है. इसलिए मैं बस ऐसे ही हल्की सी घुमा दूंगा. प्लस म्यूजिक भी तो इतना लाउड होगा ना, अंदर म्यूजिक इतना तेज चलता है ना स्टोर्स के अंदर, वो कॉपीराइट आ जाते हैं फिर तो वीडियोस में. इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बना सकता हूँ, ज्यादा नहीं बना सकता, पर चलो अंदर कैंडल लेके आते हैं. ऑलराइट गाइस, तो देखो शिल्पा 6 कैंडल्स लेके आई हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक 10 डॉलर की है. ऑब्वियसली थोड़ी सी महंगी है, पर देखो बड़ी कितनी है, साइज देखो इनका. 3 वीक कैंडल है ना, और बहुत टाइम चलती है. बहुत अच्छी. कौन कौन सी लाई है दिखाओगी? ये है मार्शमेलो फायर साइड, जापानीज चेरी ब्लॉसम. सोंग सोंग के लाए अंदर, अच्छी लगी हमें. फ्लैनल और ये कुछ कॉफी ऑफ़ी होगी, नहीं महोगनी टाइप टीक वुड इंटेंस. ये बहुत ही अच्छी थी, ये मुझे अच्छी लगी, ऐसे परफ्यूम जैसी थी, बहुत अच्छी. गुड, मैं दो भी ले सकती थी, अरे दो और ले जाते. मैं नहीं जा रहा, बहुत लाइन है. और ये अच्छी देखो, कैक्टस ब्लॉसम. ये रे जितने सोंगी नहीं है, नहीं सोंगी सरप्राइज मेरे लिए. अच्छी है, अच्छी है, सो गो कलर फॉर द सन ऑफ पिंक. देखो सोंगा बहुत अच्छी है, अच्छी एक्चुअली बहुत अच्छी थी. एक बड़ी अच्छी थी ये वाली लास्ट वाली, वो हल्का सी खुशबू है पर अच्छी थी बहुत. वही थी जापानीज ब्लॉसम. अच्छा ये भी नहीं सुनी रजत ने. सन ड्रेंच्ड लिनन, वाओ. और ये तो ऐसे है जैसे लॉन्ड्री की सी है. ये वाली को लाइयो, मैं घर पे लॉन्ड्री लगा के खुला छोड़ देता थोड़ी सी. चलो एनीवे गाइस, अब हमारा शाम का प्लान बन गया है फ्रेंड के यहाँ पे डिनर में जाने का. उसने हमें बुलाया है और उसके लिए देखो शिल्पा क्या बना रही है. शिल्पा फिर से अपना कुकी का सामान लेके बैठी. शिल्पा तुम्हें कुछ और नहीं आता क्या बनाना? कुकी मफिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्या कुकी है ना कि एक्चुअली हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भी देखो बड़ों के लिए तो मैंने मान ली ठीक है, और फिर बच्चों के लिए फिर मैं सोचती हूँ कि कुकी, बट मुझे लगता है कुछ और बनाना चाहिए. कुछ नया सीखो शिल्पा, कुकी एंड ब्राउनी, बस ये दो चीज़ बनाती रहती हो. बहुत अच्छा बनाती हो, मैंने मना नहीं किया. कीप इट अप पर कुछ नया तो सीखो, और लगे हाथों तरह रेसिपी बता दो ताकि हमारे व्यूअर्स भी बना पाए. मैं तो बहुत बार बना चुकी हूँ ना. नहीं, व्यूअर्स को बता, चलो मुझ पे गुस्सा करो, मुझ पे करो, व्यूअर्स पे मत करो. अच्छा पहले मुझे एक आंसर दो, मैथ का क्वेश्चन मुझे चाहिए 3/4 कप ऑफ ब्राउन शुगर. अच्छा मेरे पास 3/4 का नहीं है. ओ तो मैं कैसे करूँगा? 3/4 का नहीं है. 3/4 क्या होता है शिल्पा? गाइस देखो शिल्पा को मैथ की प्रॉब्लम है. 4 का 3 ना. हाँ तो क्या होता है वो? वो 1 कप का लाइक थर्ड 3 हो. तो क्या होता है? 0.75. राइट. 0.75. तो हाफ तो ये हो गया. अच्छा तो इसको मैं तो एक आधा एक कर लूं. नहीं एक आधा ले लो. हां और एक और इसका हाफ कर लो. हां तो 1.25 ले लो, डन. तो लेकिन फिर इसका हाफ कैसे करूं ना? कम ऑन मैन शिल्पा. लेकिन मैं इसका हाफ कैसे करूंगी? 0.25 के नहीं तुम्हारे पास? नहीं है ना. 0.25 यूजली होता है मेजरिंग कप्स में, वो ले लो. बट गाइस देखा ऐसे मैथ्स की प्रॉब्लम आती रहती है शिल्पा को बहुत. तो रेसिपी बता देते तुम लोगों के लिए. बताती हूँ,
मीन वाले आप इन डॉगीज को देख लो, इनका चलता रहता है ऐसा भी छुकी। तो शिल्पा ने कितनी चीनी ली है? तो सबसे पहले तो मैंने प्रीहीट कर लिया अवन 350 पे, 350 डिग्री फारेनहाइट पे अवन प्रीट हो रहा है। फिर सबसे पहले डाली मैंने हाफ कप शुगर, रेगुलर शुगर, और 3/4 कप जाएगी ये ब्राउन शुगर, और 1 टेबलस्पून सॉल्ट। सॉल्ट एक्चुअली 1 मैंने हाफ डाला है, गलती बच गई ना। हां शिवा, बटर कितना पिघलाया तुमने? ये पैन तो ऐसे मेल्ट कर लिया, अब इसको हाफ कप लेना मुझे। गैस पता है शुभ को इसमें भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको दिखाता हूँ क्यों। लेट मी शो यू कहाँ है बटर का रैपर? फेंक दिया ये रहा, ये दिखा दिखा दिखा। तो बटर के रैपर पे यूजुअली लिखा होता है ना, इतना इतना मार्किंग बनी हुई है, हाफ कप इतना है, 1/4 कप इतना है। तो इसमें भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है कि यू नो कैसे करें मेजर। प्लस हम डालेंगे इसमें कुछ चॉकलेट चिप्स, मेरे से सीख लो गैस, मुझे पता है। अंडा भी डालेंगे और वनीला एसेंस डालेंगे, वो सब शिल्पा बताएगी, मैं आपको बता देता हूँ बस। ये गया हाफ कप बटर, इतना सारा बटर जाता है गाइस कुकीज में, देख रहे हो? बट फिर बहुत सारी बनती है ना। हाँ अभी है गाइस, देखो डो रेडी है, बट मैं आपको दिखाना ही भूल गई। तो वहाँ तक था ना जहाँ पे मैंने बटर मिक्स किया था, फिर उसके बाद मैंने ऑल पर्पज फ्लावर डाला और वनीला एसेंस डाला और बेकिंग सोडा डाला थोड़ा सा। बस उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके चॉकलेट चिप्स डाल दिए और अब स्कूपर से थोड़ा थोड़ा मैंने डो डाला है। ओवन रेडी है, अब अंदर डालते हैं। गाइस देखना कितना बढ़िया बनी आज, इस बार डार्क चॉकलेट नहीं बनाई है, रेगुलर बनाई है, बट बहुत अच्छी बनी है। मीनवाइल गाइस, जब तक शिल्पा बना रही थी कुकीज़, मैं कर रहा था वीडियो एडिटिंग, क्योंकि यही एक घंटा का टाइम मिला। तो गाइस आप पूछते हो ना कि कैसे मैनेज करते हो, बहुत बिजी होती है बिजी होते हैं गाइस हम लोग, ऑफिस का काम, शॉपिंग वॉपिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो क्रिएशन एडिटिंग, ये काम करना, पार्टीज़ में जाना, इन्जॉय करना, लाइक फेस्टिवल्स इन्जॉय करना, बहुत काम होता है। अभी एक घंटा मिला था बीच में, तो मैंने वीडियो खींच दी, फटाफट अपलोड कर दी है। और यहाँ देखो क्या चल रहा है, ये देखो गाइस लाइव शो चला गाइस आपके सामने, ये रोज़ चलता है हमारे साथ इनका, इन दोनों का नेवर एंडिंग शो है ये। और गाइस ये बाय द वे जाने वाला है बहुत जल्दी, एक इन फ्यू डेज जाने वाला है एटम वापस अपने घर, तो मिस करेंगे, हम भी मिस करेंगे और टेडी भी मिस करेगा बेचारा। एंड ये हो गया हमारा गिफ्ट तैयार, इतनी सारी प्यारी प्यारी कुकीज़ बन गई हैं, रैप करके रेडी हो गया है, और बहुत ही मैंने चख के देखी गाइस, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही अमेजिंग, सॉफ्ट बनी है कुकीज़। ये शिल्पा ने एक वाइन की बॉटल तैयार कर दी, हम ये लेके जाएंगे और बस एक घंटे में निकल रहे हैं यहाँ से, और बस डिनर करके आ जाएंगे। फ्रेंड ने बुलाया घर पे, कुछ ऐसा खास है नहीं, खास है नहीं, डिनर विनर करेंगे बस। अभिषेक, अर्श, अनायरा एंड गीता, गीता फॉलो कर दिया वो, उसका जी से है ना, उसका ए से है, ए कॉमन हो गया ना, बेल बजा दी। गीता अभिषेक के प्यारे प्यारे घर में आ गए गाइस हम लोग, देखो कितना प्यारा घर है इनका, बहुत प्यारा सजाया हुआ है, ऊपर प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। हाय, सारा दिन ऑफिस घर से काम करते हैं, बहुत टाइम मिलता है लड़ने। गाइस मिलिए गीता से, हेलो, अभिषेक से, हाय, और इनके दो प्यारे बच्चे हैं, मैं फोटो दिखाता हूँ, वो रो एक और ही अनायरा, हाय अनायरा, नीचे आके हाय करेंगे चलो। और देखो इनका क्या बनाया इन्होंने हमारे लिए, इतना सारा सामान, और ये तो सिर्फ स्टार्टर्स है। गीता ने अपने हाथों से, ओह माय गॉड, नहीं घर डेकोरेट किया अभिषेक ने, ये हम्बल है, हम्बलनेस देखो, हम्बलनेस, अच्छा आ गए, हाय हाय नायरा। तो क्या हुआ था कि मेरा फोटोग्राफी का या वीडियोस का शौक कैसे शुरू हुआ, तो बचपन में होता नहीं अब फंक्शन होता है, बर्थडे हो रहा है किसी का हो रहा है, और कैमरा में यार फोटो खींच दियो हमारी, ले पकड़, ये फ़ोन वाले कैमरा तो होते नहीं थे, ये पकड़ कैमरा फोटो खींच दियो। तो मैं देख रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ, फोटोग्राफी का शौक ऐसे शुरू हुआ मेरा। फिर धीरे धीरे मैं वीडियोज़ पे आया, फिर वीडियो कैमरा आने लगे, हैंडी कैमरा आते थे, फिर उनमें आया, फिर मैं ही खींचने लगा सबकी फोटो है वीडियो में, मेरा टैलेंट थोड़ा बढ़ गया। फिर मैं इधर कॉलेज में आया, स्कूल में, ऑफिस में आया वर्क में, ठीक है, वहाँ पे मैं उनके फोटोग्राफी क्लब मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ से हुआ। फिर मेरे को उन्होंने वो फ्लैश मॉब का असाइनमेंट दिया, फ्लैश मॉब बनाओगे आप, कैसे करते हैं,
पहली बार जिंदगी में एडिटिंग मैंने तब करी थी कि कैसे करते हैं, और वहाँ पर मैंने टूल सीखा शुरू किया, उनकी एडिटिंग करके मैंने वीडियो बनाई, तब जाके मुझे लगा और भी वीडियो बना सकता हूँ मैं, ऐसे मेरा शुरू हुआ था। मुझे तो पार्लर का सुन के आईब्रो बनवाने जाना होता नहीं, यहाँ पे मुझे सोचना पड़ता है यार आईब्रो बनवाने जाना। इंडिया की बात हो रही है। नीचे अरे एंड दे विल पैम्पर यू लाइक एनीथिंग, मतलब बोले आपको चाय से, हां चाय चाय अच्छा ओके फाइन, अच्छा आपको मॉइस्चराइजर चाहिए, कौन सा चाहिए, म्यूजिक चाहिए, कौन सा चाहिए यार, फेशियल करेंगे, रोन आ रहा है मुझे तो, तो इंडिया के बारे में मसाज और पार्लर ये सब मिस करते हो आप? तो मैंने फेशियल ही नहीं कराया कभी, ऐसा लगता है। और वहाँ तो कितना अच्छा अच्छा फेशियल्स होते थे, महीने में एक बार फेशियल कराने जाते थे लोग वहाँ पे। महीने में एक बार इंडिया चले जाओ। हाँ मैं तो चली जाऊंगी। नहीं यहाँ पे अपॉइंटमेंट लो यार, उसमें भी इतनी मारा मारी है यार, यहाँ तो सब कुछ है। क्या क्या बता रही थी? मैं वाडी लाल का गुलाब जामुन फ्लेवर आइसक्रीम। ओहो गुलाब जामुन के पीसेस है आइसक्रीम में, वाडी का हम ये खा रहे हैं वाडी लाल की चिली गार्लिक नान खा रहे हैं, तो उससे कुछ बात निकली कि वाडी लाल की आइसक्रीम इन गुलाब जामुन फ्लेवर, तो बहुत दीवाने लोग खड़े हैं। वे वाडी लाल ने स्पॉन्सर नहीं करी है। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा, चलो बाय, गुड नाइट। चलो गाइस वीडियो करता हूँ बाद में, खा पी के आ गए उनके यहाँ से, डिनर मज़ा आया बहुत, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी उसने, थोड़ी 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 यू नो ऐसी भी बातें निकल रही थी कि इंडिया के बारे में कि हम ये मिस करते हैं इंडिया में, तो वो भी मैंने कैप्चर किया है थोड़ा थोड़ा। बट एनीवे करता हूँ वीडियो बंद गाइस, रात के 12:15 बज रहे हैं, सोते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में गाइस, बाय। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बाय गाइस।